नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आडवाणी और जोशी को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित 20 लोगों से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने नेताओं से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए जाएं। न्यायालय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले के मुख्य याचिकाकर्ता हाजी महबूब द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने इन सभी को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। भाजपा नेताओं के नाम पर केजरीवाल कराते थे फोन, पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने कहा। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और एडमिरल रामदास को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद भी आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार बनवाने के लिए आपके विधायकों को जो फोन आया था वो जेटली और गडकरी की ओर से नहीं बल्कि केजरीवाल के लोगों ने किया था। गर्ग ने कहा कि 10 करोड़ रुपए के ऑफर के लिए केजरीवाल के इशारे पर ही फोन किए जाते थे। जिस व्यक्ति को पुलिस ने जाँच के दौरान पकड़ा था वह केजरीवाल के सचिव के इशारे पर ही फोन कर रहा था। हालांकि आपने मामले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नई लोकपाल समिति में शामिल किए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राकेश सिन्हा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी अपने आदर्शों से भटक गई है। सिन्हा ने आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाए जाने के तरीकों को लेकर भी नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से पूछा, देर से क्यों चलती हैं ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलों के देरी से चलने को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु से खासे नाराज हैं। उन्होंने प्रभु से सवाल पूछा है कि आखिर ट्रेनें देरी से क्यों चल रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार पीएम ने रेल मंत्रालय से कहा है कि इमरजेंसी के वक्त भी ट्रेनें समय पर चलती थी। उस वक्त की फाइल देखिए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक तब 90% ट्रेनें समय से चला करती थी। अखबार के मुताबिक देश भर से पीएम को ट्रेनों की देरी को लेकर बड़ी तादाद में शिकायतें मिल रही हैं। इसी के बाबत पीएम मोदी ने इसे गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री से जवाब मांगा है। पीएम की नाराजगी के बाद से ही प्रभु खुद ट्रेनों की देरी से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं और इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में गुजकोक फिर पास। गुजरात सरकार ने आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाए गए अपने विवादास्पद बिल गुजकोक को विधानसभा में एक बार फिर पास करा लिया है। मंगलवार को भारी विरोध और वॉकआउट के बीच इस बिल को सदन की ओर से हरी झंडी दी गई। यह बिल मकोका की तरह है। डेनियल विटोरी ने क्रिकेट को कहा अलविदा। न्यूजीलैंड के दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी ने मंगलवार को अपने 18 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल उनका अंतिम मैच था। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट को अलविदा कहने का बिल्कुल सही समय है। अगर हमने विश्व कप जीत लिया होता तो यह शानदार होता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।